जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एसके टी फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले आरएलसी वर्सेस एसबीएस का 14th T20 मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें जाए तो ये 8 मई को 11:30 को मैच स्टार्ट होगा, मतलब आज रात को 11:30 को मैच स्टार्ट होगा। और वेन्यू के बारे में बात करें जाए तो वेन्यू के बारे में बात करें सरवल क्रिकेट ग्राउंड क्वेट में खेला जाएगा। मैं आपको वेन्यू भी एक्सप्लेन करता हूँ। वेदर के बारे में बात करें जाए तो 1% भी बरसात होने का चांसेस नहीं है। और मैं आपको एक ऐप का नाम बताऊँगा, सब 100% मनी ईजिली से अर्न कर सकते हैं, माई मास्टर 11। आप माई मास्टर 11 में 100% मनी ईजिली से अर्न करेंगे। आपको माई मास्टर में डेली 1 या 2 फ्री एंट्री भी मिलेगा। और इसमें ऐप में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग ओपिनियन भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर मुंबई वर्सेस चेन्नई का मैच हो रहा है, उसमें अगर मुंबई में विनिंग में लगाएंगे आप 10 रुपये, तो आप 100 रुपये तक भी जीत सकते हैं इस ऐप में। कमाल कैप है, 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। मैंने माई मास्टर 11 का लिंक टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आप 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। मैं आपको आप दोनों टीम का प्लेइंग 11 का साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आरएलसी का प्लेइंग 11 में देखा जाए तो आरएलसी का टीम में ओपनिंग में आएंगे आर कुमार और मधु धनकन को। ये दोनों प्लेयर्स ओपनिंग में आएंगे। दोनों प्लेयर्स का लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स देखा है तो आर कुमार इस टीम का कीपर है। आर कुमार ने लास्ट 3 मैचेस 15, 12 और 49+4 विकेट लिए हैं। लास्ट 3 मैचेस में 1 मैच में इनको बॉलिंग में भी चांस मिले, तो उस मैच में 4 विकेट भी लिया था। और बैटिंग में देखा था एवरेज जा रहा है, लेकिन बॉलिंग भी कर रहा है और एक कीपर भी हैं। और मधु धनका के बारे में बात करें तो मधु धनका का लास्ट 3 मैच है 4, 6 और डकआउट। मधु धनका फ्लॉप जा रहे हैं, इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इनको आप ट्राई करने चाहते तो अगर आप 6 से 10 ग्रांलिक टीम खेलते हैं तो इनको आप 1-2 टीम में कप्तान वाइस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। और हम रानिल के बारे में बात करते हैं, इस टीम का कप्तान है रानिल। और इनका लास्ट 3 मैचेस में 3 रन+0 विकेट, 1 मैच इनको बैटिंग बॉलिंग में चांस मिले और 1 मैच में 1 रन+1 विकेट लिए हैं। लास्ट 3 मैचेस में इनको 1 विकेट भी मिला है। और महाका गर्डन के बारे में बात की तो लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 10 रन्स, 1 मैच इनको बैटिंग में चांस, 2 मैचेस इनको बैटिंग बॉलिंग में चांस नहीं होते, इनको आप 100% अवॉइड कर सकते हैं। और MS वितनंगा के बारे में बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो इनका भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन बैटिंग कमाल का, बॉलिंग कमाल का किया था लास्ट 3 मैचेस में। 5 रन+5 विकेट, 4 रन और 8 रन+1 विकेट, लास्ट 3 मैचेस में इनको टोटल 5 विकेट्स मिले हैं। और एन प्रदर्शन के बारे में बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में देखा था 0 रन+0 विकेट, 8 रन और 5 रन, लास्ट 3 मैचेस में प्रदर्शन भी फ्लॉप जा रहे हैं इनका। टीम का देखा जाए तो इतना अच्छा स्टैट्स नहीं, हर प्लेयर फ्लॉप ही जाना बैटिंग में। आप बॉलिंग में देखते हैं, बॉलिंग में देखा तो बी अजन का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए 21 रन+1 विकेट, 0 रन्स और 1 मैच इनको बैटिंग बॉलिंग में चांस नहीं मिला था। और बी अली के बारे में बात करें तो बी अली का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 15 रन+1 विकेट लिए और 3 रन+1 विकेट और 1 मैच इनको बॉलिंग बैटिंग में चांस नहीं होता। बी अली का लास्ट 3 मैचेस टोटल इनको 2 विकेट मिला है। और एम कुमार के बारे में बात करें तो कुमार का लास्ट 3 मैचेस में देखा है 0 रन+2 विकेट, 1 रन, 0 रन+1 विकेट और 7 रन पर है। कुमार का लास्ट 3 मैचेस में देखा है टोटल इनको 3 विकेट्स मिले हैं। बॉलिंग का एवरेज जाना है, हर प्लेयर्स 1-2 विकेट लेकर जा रहे हैं। और एम अहमद के बारे में बात करें लास्ट 3 मैचेस में देखा है 0 रन+0 विकेट, 0, 1 रन और 3 विकेट, लास्ट 3 मैचेस में देखा तो अहमद को टोटल 3 विकेट मिला है। और एम कबीर के बारे में बात करें तो कबीर का लास्ट 3 मैचेस में देखा 0 रन+0 विकेट, 8 रन+2 विकेट और 1 विकेट हैं। लास्ट 3 मैचेस में कबीर को टोटल 3 विकेट मिला है। मैंने आपको RCL टीम का प्लेइंग 11 का साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब SBS टीम का देखा जाए तो लास्ट 3 मैचेस में देखा तो जे सिंह और बी सिंह, ये दोनों ओपनिंग में आएंगे। दोनों प्लेयर का लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स देखा जाए तो जे सिंह इस टीम का कीपर है। लास्ट 3 मैचेस में 36, 8 रन और 0 रन्स एवरेज प्रदर्शन जा रहे हैं, इनको आप कप्तान उस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। और बी सिंह के बारे में बात करें तो बी सिंह को अवॉइड कर सकते हैं। 3 मैचेस में इतना अच्छा बैटिंग तो नहीं किया, 1 मैच उनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था और 1 मैच डकआउट और 1 मैच 8 रन मारे थे। और एम रफीफ के बारे में बात करें, मनीफ के बारे में बात करें तो लास्ट 3 में 5, 13, 24, ये भी इतना अच्छा बैटिंग नहीं किया इनका भी। और एन सिंह के बारे में बात करते हैं, एन सिंह का लास्ट 3 मैचेस में देखा था 8 रन, 21+1 विकेट, 0 रन+1 विकेट लिए। लास्ट 3 मैचेस से सिंह को टोटल 2 विकेट मिला। और एम चौफस इस टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कमाल का प्लेयर है। लास्ट 3 मैच 40 रन, 0 रन+2 विकेट, 3 रन+2 विकेट। जोसफ को टोटल लास्ट 3 मैच 4 विकेट्स मिले और 1 40+ रन भी मारे, इनको मैं एक स्टार मार्क दे रहा हूँ, इनको कप्तान उस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। और बी अहमद के बारे में बात करें तो बी अहमद का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 1 मैच उनको बैटिंग बॉलिंग में चांस नहीं, तो और मैच 40 रन+0 विकेट और 1 मैच में 1 विकेट लिया। लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो अहमद को टोटल 1 विकेट मिला, उनका हाई स्कोर है 41 रन। और एस सिंह के बारे में बात करें तो एस सिंह का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इनका टीम का,
इनको भी मैं एक स्टार मार्क दे रहा हूँ। लास्ट ईयर में 51 रन 53 रन प्लस 2 विकेट 13 रन प्लस 3 विकेट, टोटल 5 विकेट्स मिले और 2 ऑफ सेंचुरीज भी मारे। इनका हाई स्कोर है 53 रन लास्ट 3 मैचेस में। कमाल का बैटिंग कर रहे हैं लास्ट 3 मैचेस में, कमाल का बैटिंग किया और कमाल का बॉलिंग भी किया। इनको आप 100% कप्तान इस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। और इस जीत के बारे में बात करें, जीत इस टीम का कप्तान है। लास्ट 3 मैचेस में 13 रन मारे थे, 6 रन प्लस 1 विकेट और 5 रन प्लस 1 विकेट। लास्ट 3 मैचेस में जीत को टोटल 1 विकेट मिला। और पी पेरारा के बारे में बात की तो लास्ट 3 मैच 2 रन 0 रन प्लस 0 विकेट 2 रन प्लस 0 विकेट। पेरारा को लास्ट 3 मैचेस में 1 विकेट भी नहीं मिला, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और हम दिनेश के बारे में बात की तो लास्ट 3 मैचेस में देखे तो 1 मैच इनको बैटिंग बॉलिंग में चांस नहीं, और 1 मैच 10 रन प्लस 0 विकेट और 0 विकेट। लास्ट 3 मैच में दिनेश भी फ्लॉप गए हैं। और वही मोहम्मद के बारे में बात की तो लास्ट 3 मैच में 1 मैच इनको भी बैटिंग बॉलिंग में चांस नहीं, 1 मैच में 1 रन प्लस 2 विकेट 16 रन प्लस 0 विकेट। मोहम्मद को लास्ट 3 मैच से टोटल इनको 2 विकेट मिला। मैंने दोनों टीम का प्लेइंग 11 का सबसे हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। दोनों टीम का हैट्रिक के बारे में बात करें, आरएलसी के बारे और एसबीएस टीम का, दोनों टीम का देखा था अब तक दोनों टीम एक बार भी नहीं खेला है, मुकाबला दोनों टीम का एक बार भी नहीं हुआ है। और दोनों टीम का टीम फॉर्म के बारे में बात करें, आरएलसी ने लास्ट 1 मैच खेले, 1 मैच में लॉस होकर आ रहे हैं। और SBS के बारे में बात करते हैं, SBS लास्ट 5 मैचेस में 2 मैचेस विन करके आ रहे हैं, 2 मैचेस लॉस होकर आ रहे हैं और 1 मैच इनका कैंसिल हो गया था। मैंने दोनों टीम का आपको टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया, हेड टू हेड भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब दोनों टीम का की प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, आरएलसी का की प्लेयर्स हैं आर कुमार, मधुनंका, बी अजन और एम अली, ये चारों प्लेयर्स आरसीएल टीम का की प्लेयर्स हैं। दोनों टीम में आपको आरएलसी का की प्लेयर्स का नाम भी बता चुका हूँ। अब SBST का की प्लेयर्स में देखा जाए, जय सिंह, एम सिंह, एम जॉफ और बी अहमद, ये चारों प्लेयर्स SBS टीम के लिए की प्लेयर्स हैं। मैं दोनों टीम का आपको की प्लेयर्स भी एक्सप्लेन कर दिया। आप कप्तान स्कॉट में किस प्लेयर को चूज कर सकते हैं, कप्तान स्कॉट बी अहमद, एम जॉफर्स, जय सिंह, आर कुमार, एम अली और मधुदंका को, आप छह प्लेयर को कप्तान स्कॉट में चूज कर सकते हैं। फाइनल टीम के बारे में बात करते हैं, आपको फाइनल टीम अभी मैं लाइव में बनाकर दिखाऊंगा, उससे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाकर @SKTFantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। चलिए मैं आपको फाइनल टीम लाइव में बनाकर दिखाता हूँ। RLC वर्सेस SBS का फाइनल टीम में आपको स्वागत है। मैं आपको बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर को पिक करूंगा। पहले विकेट कीपर में देखा था आर कुमार को हम लोग पिक कर लेंगे, मधुदंका को पिक कर लेंगे, दोनों विकेट कीपर्स इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन, जय सिंह ये भी एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। पूरा हम लोग 3 विकेट कीपर को पिक किया, तीनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन साहब, तीनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लेना। अब बैट्समैन में देखा था बहुत सारा बैट्समैन से हम लोग बैट्समैन से पिक करेंगे, बी मोहम्मद को और देखा जाए तो हम लोग और देखा जाए तो बहुत सारे बैट्समैन से, लेकिन इतना बी आजन ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। पूरा हम लोग दो बैट्समैन को पिक किए हैं, अभी दो ही हम लोग फिक्स करके रखते हैं, दो बैट्समैन को हम लोग पिक कर लिए हैं। अब देखा जाए तो ऑलराउंडर्स में देखा जाए बहुत सारा ऑलराउंडर्स को हम पिक कर लेंगे, एन सिंह को और एम जॉफर्स को, और देखा जाए तो जीत सिंह को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट 3 मैचेस में इनको 1 मैचेस में बैटिंग बॉलिंग में चांस नहीं है, बी अली को और बी अहमद को। पूरा हम लोग ऑलराउंडर्स में 4 ऑलराउंडर्स को पिक किए, चारों ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स हैं, आप चारों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लें, चारों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स हैं, आप चारों को 100% पिक कर लेना। आप बॉलर्स में देखा जाए बहुत सारा बॉलर्स हम लोग बॉलर्स में जे एस जीत को पिक कर लेंगे, डी पेरारा को देखा है तो डी पेरारा लास्ट 3 मैचेस में फ्लॉप गए हैं, एम कुमार को, पूरा हम लोग 2 बॉलर्स को पिक किए, दोनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स हैं। आप अहमद को भी ट्राई कर सकते हैं, बी अहमद भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बी अहमद का लास्ट 3 मैच इनका भी स्टार्ट कमाल के स्टार्ट, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग विकेट कीपर में टोटल 3 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो 2 बैट्समैन, ऑलराउंडर्स में 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया, बॉलर्स में देखा जाए तो हम लोग 2 बॉलर्स को पिक किया। आप कप्तान और कप्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग कप्तान में पिक कर लेंगे, कप्तान में देखा जाए तो एन सिंह को पिक करेंगे और वाइस कप्तान में बी अली को। मैं आपको कप्तान और कप्तान का नाम भी बता चुका हूं, आप सेव करके रख लेता हूं, टीम को सेव करके भी रख लिया, और टीम को एक बार मेरे टीम को देख लीजिए। मैंने विकेट कीपर में 3 विकेट कीपर को पिक किया, जय सिंह, आर कुमार और मधुशंका को। और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो हम लोग ऑलराउंडर्स में पूरा 2 ऑलराउंडर को पिक किया, बी सिंह और बी अजन को। और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो पूरा ऑलराउंडर्स में 4 ऑलराउंडर, एन सिंह, एम चौफस, बी अहमद और बी अली को। और बॉलर्स में देखा है 2 बॉलर्स एम कुमार और एस जीत को। मैंने कप्तान में बनाए एन सिंह को और वाइस कप्तान में बी अली को। मैं आपको कप्तान और वाइस कप्तान के भी नाम बता चुका, अगर
लाइनअप अनाउंस होने का आपका अगर लाइनअप अनाउंस होने के बाद अगर एक या दो प्लेयर मिस होता है तो आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करूँगा। 15 से 20 मिनट पहले आपको मैं टेलीग्राम चैनल फाइनल टीम प्रोवाइड कर दूंगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके @SKTFantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू। जय हिंद।